हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जिसका था इंतजार वो घड़ी अब आ गई है। यदि आप कक्षा 10 और कक्षा 12 की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2024 का जो टाइम टेबल है वो घोषित तो हो चुका है। तो कब आपका एग्जाम है, बने रही इस वीडियो के अंत तक। किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट होगा, इन सभी विषयों पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको जाना है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर और टाइम टेबल आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइम टेबल, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, आपका टाइम टेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित यूपी बोर्ड का टाइम टेबल जारी हो गया है 2024 के लिए। जो एग्जाम आपका स्टार्ट होगा 22 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पतिवार 22 फरवरी 2024। एग्जाम दो पालियों में होगा, ठीक है। एक 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक होगा और दूसरा जो एग्जाम होगा आपका 2 बजे से 5:15 तक, ठीक है। ये रहा हाई स्कूल का टाइम टेबल, ये रहा इंटरमीडिएट का। यदि आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आप दोनों लोग देख सकते हैं। तो 22 फरवरी 2024 को जो होगा एग्जाम आपका हिंदी और प्रारंभिक हिंदी होगा कक्षा 10 के लिए, और वही सुबह में ही होगा सैन्य विज्ञान का पेपर कक्षा 12 के लिए। और शाम के समय में आएंगे हम लोग तो वाणिज्य होगा हाई स्कूल के लिए, और सामान्य हिंदी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कक्षा 12 के लिए। तो यानी कि 22 फरवरी से सामान्य हिंदी, और हाई स्कूल के लिए भी होगा हिंदी, और इंटरमीडिएट के लिए भी होगा सामान्य हिंदी। इंटरमीडिएट का जो सामान्य हिंदी का एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 2 बजे से, ठीक है। फिर अगला जो शुक्रवार होगा 23 फरवरी 2024 को पाली अरबी फारसी के लिए होगा और संगीत गायन के लिए हो जाएगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट वालों के लिए देख सकते हैं कि सुबह के पाली में नागरिक शास्त्र देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। शुक्रवार 23 फरवरी 2024 को नागरिक शास्त्र यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे दोपहर के पाली में जो पेपर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि सस्य विज्ञान के लिए हो जाएगा, सामान्य आधिकारिक विषय के लिए यहाँ पर आप अपना विषय देख सकते हो, ठीक है। वहीं आगे बात कर लेते हैं मंगलवार को, ठीक है। मंगलवार को देखेंगे 27 फरवरी 2024 को 8:30 बजे से पेपर आपका गणित का होगा कक्षा 10 गणित का, ठीक है। और वहीं पर जो सुबह में यहां पर आप अपना देख सकते हैं सज्जा धुलाई एवं रंगाई बेकिंग, इस प्रकार से जो यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट आप है इसमें आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं जो 2:30 बजे से दोपहर के पाली में जो पेपर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे देख लीजिए दोपहर के समय में जो पेपर होगा यहाँ पर देख लीजिए 2 बजे से आपका होगा ऑटोमोबाइल्स कक्षा 10 के लिए हो जाएगा ये, और यहाँ पर गृह विज्ञान होगा, ठीक है। गृह विज्ञान कक्षा 12 के लिए शाम के पेपर में होगा, ठीक है, 27 फरवरी को। यहीं पर 28 फरवरी की बात कर लेंगे तो 28 फरवरी को संस्कृत होगा कक्षा 10 वालों का और अर्थशास्त्र होगा कक्षा 12 का। अर्थशास्त्र सुबह में होगा पेपर, ठीक है, और वहीं शाम के पेपर में 2 बजे से जो संगीत वादन होगा और चित्रकला इंटरमीडिएट के लिए हो जाएगा। वहीं बृहस्पतिवार 29 फरवरी की बात कर लेंगे तो विज्ञान हो जाएगा कक्षा 10 वालों के लिए, और शाम के टाइम में विज्ञान कृषि हो जाएगा कक्षा 10 वालों के लिए, और वहीं जीव विज्ञान और गणित इंटरमीडिएट के लिए देखने के लिए मिल जाएगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंटरमीडिएट वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन आएंगे हम लोग, यहाँ पर देख लेंगे। शुक्रवार 1 मार्च 2024 को जो पेपर होगा मानव विज्ञान कक्षा 10 के लिए और एनसीसी हो जाएगा कक्षा 10 के लिए, वहीं मानव विज्ञान इंटरमीडिएट के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मलयालम नेपाली इस तमाम जो भाषाएं हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। शनिवार 2 मार्च 2024 की बात करेंगे तो 8:30 बजे से आपका पेपर हो जाएगा हेल्थ केयर और जो मोबाइल रिपेयर वाला जो सब्जेक्ट है कक्षा 10 के लिए हो जाएगा, और वहीं इंटरमीडिएट के लिए भाई देख लो गणित का पेपर होगा 2 बजे से, ठीक है। गणित सॉरी अंग्रेजी का पेपर हो जाएगा 2 बजे से आपका, ठीक। तो चलिए आगे चल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं सोमवार 4 मार्च 2024 को पेपर कक्षा 10 वालों के लिए अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है, और वहीं शाम के पाली में सुरक्षा जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा, और वहीं इंटरमीडिएट वालों के लिए भाई भौतिक विज्ञान देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान आपका, ठीक है। और वहीं पर आएंगे मंगलवार 5 मार्च 2024 के लिए तो 8:30 बजे से 11:45 तक होगा आपका गृह विज्ञान कक्षा 10 वालों के लिए, ठीक है, और वहीं इंटरमीडिएट वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन बुनाई तकनीकी नर्सरी शिक्षा प्रशिक्षण तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और शाम के पाली में देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पर भूगोल, ठीक है, शाम के पाली में आपको देखने के लिए भूगोल मिल जाएगा, और वहीं कंप्यूटर कक्षा 10 वालों के लिए मिलेगा 2 बजे से जो पाली में होगा एग्जामिनेशन, ठीक है। और वहीं बात कर लेंगे आगे
बुधवार को, ठीक है, 6 मार्च 2024 को पेपर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होगा चित्रकला कक्षा 10 वालों के लिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर यहाँ पर कक्षा 12 वालों के लिए करेंगे तो शिल्प है और सिलाई शिल्प, इस तरह से आप पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 बजे की बात करेंगे तो IT पेपर हो जाएगा कक्षा 10 वालों के लिए, और जो कक्षा 12 वाले हैं वहाँ पर उनको इतिहास और कृषि अभियंत्र इस तरह से देखने के लिए सब्जेक्ट मिल जाएगा। 8 साइड वालों के लिए इतिहास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कक्षा 12 वालों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। बृहस्पतिवार को देखते हैं हम लोग, 7 मार्च 2024 को 8:30 बजे से सामाजिक विज्ञान होगा कक्षा 10 वालों के लिए, ठीक है। और वहीं इंटर वालों के लिए सुबह में ये पाक शास्त्र, कुकरी, परिधान रचना, इस तमाम इस ऑटोमोबाइल्स वगैरह है सब आप देख सकते हैं। वहीं पर 2 बजे की बात करेंगे तो 2 बजे से सिलाई का होगा कक्षा 10 वालों के लिए, और रसायन विज्ञान कक्षा 12 वालों के लिए होगा। किस डेट में होगा रसायन विज्ञान भाई, यहाँ पर देख लीजिए आप, 7 मार्च 2024 को शाम के पाली में रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं, अगला पेपर देख लेते हैं। शनिवार के दिन में क्या होगा भाई, देखो शनिवार 9 मार्च 2024 को आपको देखने के मिलेगा 8:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा गुजराती, पंजाबी, बांग्ला एक कक्षा 10 वालों के लिए, और इस तरह से फल और पाठशास्त्र तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा, जो कक्षा 12 वालों के लिए होगा। और वहीं पर 9 मार्च को जो 2:30 बजे पेपर होगा, सॉरी 2 बजे से जो पेपर होगा दोपहर में, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए होगा यहाँ पर कक्षा 10 वालों के लिए, और यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा कक्षा 12 वालों के लिए, ठीक है। तो संस्कृत सब्जेक्ट यहाँ पर कक्षा 12 वालों के लिए देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से आपका ये रहा आपका टाइम टेबल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि टाइम टेबल में कोई चेंजअप होता है, नया टाइम टेबल जारी होता है, डेट चेंज होता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तब तक उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। याद रहे 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी को आपका एग्जाम डेट स्टार्ट हो गया है।